हेलो फ्रेंड, अलका लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चोली कट ब्लाउज बना के दिखा रही हूँ, काट करके कटिंग करके मैं दिखा रही हूँ। देखिए, ये कटोरी कट चोली कट ब्लाउज है, इसको मैं बना के दिखा रही हूँ कटिंग करके। देखिए, ये चोली कट है, इस कपड़े में डिजाइन है, साड़ी पर का सेट कर का ब्लाउज है, तो इसका डिजाइन को देखते हुए मैं एक साइड ये डिजाइन है, ये बाँह पे धोत रही हूँ, और एक साइड डिजाइन नहीं है, इसलिए इसको इधर से लंबाई ले रही हूँ। पहले मैं पीछे पल्ला काट रही हूँ, अब हम पीछे पल्ला पहले नापेंगे। देखिए, ये पीछे पल्ला है, पीछे पल्ला मेरा 22 इंच है, यानी 11 इंच पे काट रही हूँ, तो 11.5 हो जाएगी, 11.5 ही लूँगी, का आगे वाला मैं 2 इंच बढ़ा के लूँगी, इसलिए इसको 10.5 ही लूँगी, 11 इंच है, 10.5 ही इसको ले रही हूँ। और जिस तरह मैं सारे और ब्लाउज का कटिंग दिखाई थी, पीछे वाला पल्ला सीधा वैसे ही कटेगा, और फिर आगे वाला में चोली कट होगा। देखिए फ्रेंड, ये पीछे वाला पल्ला मेरा कट चुका है, इसी को मैं इसके ऊपर रख के आगे वाला पल्ला काट रही हूँ। ये आगे वाला पल्ला काट रही हूँ, ये पीछे वाला मेरा पल्ला कट चुका है, अब इसको मैं रख के पीछे वाला काट आगे वाला काट रही हूँ। ये देखिए, इतना मेरा 1.25 इंच लगभग ज़्यादा मैं ले रही हूँ इसमें आगे पल्ला के लिए, कारण कि चोली इसमें बनेगी, तो मैं 1.25 इंच ज़्यादा इधर से लिए, 1.25 इंच उधर से हो गए, 1.5 इंच लगभग मेरा ज़्यादा है। तो अब मैं इसका कटिंग करती हूँ, पहले मैं गला इसका नाप लेती हूँ। देखिए, ये गला 4 इंच पे है, और टोटल पूरी लंबाई 5 इंच पे है गले की, तो पहले मैं 5 इंच गले की लंबाई ले लेती हूँ। ये 5 इंच आ गई, और अब यहाँ पे 4 इंच का मैं टेकिंग लगा लेती हूँ, 4 इंच का टेकिंग ये हुआ, चिन्ह लगा ली। अब मैं इसे मिला रही हूँ, उसके बाद इसको गोलाई से गले को ऐसे मिलाते हुए ऐसे ऊपर कर लेती हूँ, ऊपर चली जाती हूँ, फिर इसी मुड्ढे को इसी गोलाई से आके यहाँ तक आ जाती हूँ, और मैं कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से चोली कट काटने में आसान होगा, और बनाने में भी, वो जो पहले दिखाया जाता है एक कटोरी निकाल के चोली का और दूसरा कटोरी फिर से काट के बनाता है, उसमें बहुत आदमी को समझ में नहीं आता, नहीं कर सकता। ये आसान तरीका है, सिंपल तरीके से चोली कट को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो जल्दी दिमाग में धंसता आता है, नहीं तो दिमाग में नहीं आता है कि चोली कट कैसे बनता है, बहुत परेशान हो जाता है आदमी। तो देखिए, पीछे का पल्ला ये मेरा तैयार हो गया।
अब इधर मैं इससे बड़ा ये कटिंग करूँगी। कारण क्या, इसमें दो बार कटिंग लंबाई बीच में हुई है। देखिए, एक तो यहाँ पे कटिंग होगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ पे हुई है। तो इसके लिए हमको कपड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा ले रही हूँ। बाद में जो ज़्यादा बचेगा उसको मैं रख लूँगी, और ये किनारे का जो पट्टी निकलेगी सो ये मैं बाँह पे दे दूँगी, बाँह बनाने में सेट कर दूँगी, बैठा दूँगी उस पर। तो ये आगे पीछे का अभी सिंपल तरीका से कट गया है चोली। अब मैं इसको पल्ला कट गया है, अब मैं इसको चोली इसके लिए निकालेंगी। तो इसकी चोली है 3.5 इंच इधर, 3.5 इंच इधर, 7 इंच है, तो 6-7 इंच। एक निशान यहाँ लगाएंगे, दूसरा 11 इंच पे। क्या कर रहे हैं जी? कपड़ा कटिंग कर रहे हैं। आइए देखिए फ्रेंड, ये आगे का पल्ला मेरा है, यहाँ से यहाँ तक मैं गला कर ली हूँ। देखिए 5 इंच में गला ली हूँ, उसके बाद 1 इंच यहाँ ऊपर करके 4 इंच पे मैं टेकिंग चोली का लगाई हूँ और चिन्ह लगाई हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ फिर मैं 6 इंच से चिन्ह लगाई हूँ चोली के लिए। यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लेते हुए यहाँ पे मैं चिन्ह लगाई हूँ, यहाँ पे कटिंग करूँगी। यहाँ मेरा चोली का टेकिंग है, और उसके बाद देखिए कि मैं यहाँ कटिंग कर चुकी हूँ। ये देखिए कटिंग हो चुकी है मेरी, ये भी कटिंग हो चुकी है, ये भी कटिंग हो चुकी है। अब मेरे चोली कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है दोनों पल्ला की। अब मैं इसको अलग करके रख लेती हूँ, अब मैं बाँह कटिंग करूँगी। देखिए ये मेरी बाँह की कटिंग अब होगी। बाँह 7 इंच है, 7-8 इंच में ली हूँ। उसके बाद लंबाई 6 इंच बाकी यहाँ है, बाँह की लंबाई 6-6.5 इंच है। इससे ज़रा सा बड़ा मेरे मुझे लेना है, 6.5 या 7 भी ले सकती हूँ, 7 ले ली। उसके बाद 1.5 इंच मुझे मोड़ने के लिए लेना है, 8.5 इंच तक मैं लंबाई ले रही हूँ, 8.5 इंच। इसको मैं डबल फोल्ड कर देती हूँ, चौड़ाई कपड़े अधिक है इसलिए मैं इधर से ही ले रही हूँ। डबल फोल्ड मैं कर दी हूँ। उसके बाद 8.5 इंच इधर हो गया, तो यहाँ पे मैं 4 इंच ले रही हूँ। 1.5 इंच तो मेरी पट्टी चली जाएगी नीचे मोड़ने में हेम के लिए, और यहाँ पे अब मैं चिन्ह लगाती हूँ गोलाई के लिए। देखिए ये मेरी गोलाई हुई। अब मैं बाँह की कटिंग कर रही हूँ।
हो गई। अब मैं ये पूरे पट्टी काट के रख लूँगी, जो कि वहाँ पे मैं बैठा लूँगी। अब मेरे ब्लाउज की कटिंग पूरी हो गई। देखिए फ्रेंड, ये मेरा ब्लाउज का सारा टुकड़ा जुट चुका है। देखिए यहाँ पे ये मैं टेकिंग ली हूँ, चोटी ली हूँ, यहाँ पे भी टेकिंग लगाई। ये चोली मेरा पूरा जुड़ गया है, मैं जोड़ ली हूँ, नीचे भी साइड में जोड़ ली हूँ। देखिए अब मैं इसमें बटन पट्टी लगाऊँ, इसी तरह मैं दूसरा चोली, दूसरा टेकिंग सब लगा के फिनिश कर लूँगी और तब मैं फिर उसमें भी बटन लगाऊँगी। देखिए फ्रेंड, आज का चैनल इतना ही। मेरा पूरा ब्लाउज बन चुका है। अब मैं अगले वीडियो में जैसे इसमें पट्टी लगाई थी वैसे पट्टी लगाऊंगी, इसमें बांह जोड़ूंगी, यहाँ भी बांह जोड़ूंगी, शायद यहाँ हेमिंग करूंगी, यहाँ गला पे भी हेमिंग करूंगी, यहाँ बटन लगाऊंगी। बस अगले वीडियो में जैसे मैं दिखाई थी वैसे पूरा वीडियो, पूरा ब्लाउज मेरा बनेगा। टेकिंग लगा के यहाँ चोली कट मैं बनाने के लिए बता दी हूँ। देखिए ये चोली बन चुकी है, ये चोली बन चुकी है। कॉटन कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा ही देखने में लगता है, लेकिन देखिए चोली पूरा मेरा बन चुका है। चोली कट यानी कटोरी कट ब्लाउज मेरा बन गया है, ये भी वैसे ही बन चुका है देखिए। और अब मैं बांह लगाऊंगी, नीचे हेम करूंगी, गला पे पट्टी लगाऊंगी, गला पे हेम करूंगी, बटन लगाऊंगी। मेरा ब्लाउज पूरा फिनिश हो चुका है। आज का चैनल इतना ही। इससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं दिखा पाऊंगी कि मेरा वीडियो छोटा जाता है, बड़ा कर देने के बाद वीडियो नहीं जा सकेगा। तो आप इतना, अब मैं अपना बंद करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मैं आपके साथ मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें।